नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, हम स्टार्टअप कैसे करें साइबर साइंस बिजनेस को। अगर साइबर साइंस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई भी डिटेल, कोई भी क्वेरी है तो नंबर दिया हुआ है आपके सामने, डिटेल शेयर करी हुई है, आप उसमें डिटेल देख सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो कोई भी डिटेल होती है तो आप इस दिए हुए नंबर पर, इस दी हुई ईमेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी, साइबर साइंस बिजनेस किस तरीके से शुरू किया जाता है, कैसे शुरू जाता है, सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। बट पहले ये बात कर लेते हैं कंटेंट किसके लिए। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो है, सॉफ्टवेयर एंथुजियास्ट है, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स है, सॉफ्टवेयर इनोवेटर्स हैं, या सॉफ्टवेयर फ्रीलांसर में आप हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये पूरा कंटेंट आपके लिए है। या आप सॉफ्टवेयर का एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो पूरा कंटेंट आपका है। अब बात करते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। देखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी इंडिया की SaaS बिजनेस 20 से 25 बिलियन बढ़ेगी 2025 तक, और 4 से 7 बिलियन तो 2020 में ही होगी। SaaS रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं एट द रेट 20% के हिसाब आपसे, तो बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत ही बढ़िया मार्केट है अगर कोई भी यूज करना चाहता है तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी या एलएलपी आप बना सकते हैं, तीनों में से कोई भी बनाए, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में प्राइवेट लिमिटेड बनाए। अगर आप फंडिंग उठाना चाहते हैं एंजल इन्वेस्टर से, वीसी से, किसी से भी, तो ये चीज ध्यान में रखें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। जीएसटी जरूर लें, ट्रेडमार्क जरूर लें, और अगर आपकी स्टेट में और कोई लाइसेंस है तो वो भी लेना अनिवार्य है। इस चीज को दरकिनार ना करें, लाइसेंस लेके ही काम करें, बिना लाइसेंस लिए काम ना करें। ज्यादा खर्चा नहीं आता है इसको लेने से, और ये बहुत ज्यादा आइडिया देते हैं लोग के, हाँ जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिना लाइसेंस किए बिजनेस ना करें बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगलाइज वे में बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, पहले तो आपकी टारगेट मार्केट जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। आप कंप्रिहेंसिव बिजनेस प्लान बनाएंगे, पूरा बिजनेस प्लान बनाएंगे। उसके अलावा आप यूनिक और मेमोरेबल नेम सोचेंगे। देखिए, यूनिक और मेमोरेबल नेम अगर आप नहीं सोचोगे तो उसका नुकसान है, क्योंकि बिजनेस नहीं चलेगा। उसके बाद आपने रजिस्टर करना है उसी से ही अपने बिजनेस को, और उसके बाद वेबसाइट बनाएंगे आप उसकी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस होनी जरूरी है, अदरवाइज आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपने डेवलप करना है पूरा साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या साइबर साइंस बिजनेस का कोई भी सॉफ्टवेयर, तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके बिजनेस ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं कि हाँ जी, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, पार्टनर्स के साथ एफिलिएट करके सेल करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी ताकि पोटेंशियल कस्टमर आए। प्राइसिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है, प्राइसिंग अच्छी नहीं रखेंगे तो दिक्कत है, मार्केटिंग अच्छी नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, क्योंकि बिना पैकेजेस के, बिना सब्सक्रिप्शन के आपका सॉफ्टवेयर नहीं बिकेगा। आपको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डील करना है, तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये बहुत ध्यान से रखें ये चीज़ों को। इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अदर थिंग्स में, तो देखिए अदर थिंग्स में हायर ए टीम्स ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। आपने एक्सपीरियंस बंदे रखने हैं, स्किल्ड बंदे रखने हैं, ताकि आपको बिजनेस ऑटोमेटेड मोड पे चले। अटेंड करने इंडस्ट्री इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्किंग बनेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। कोलैबोरेट करना है बिजनेसेस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के साथ या साइबर सैस बिजनेस के साथ। ऑफर करना है एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, तभी आपके प्रोडक्ट आगे बिक सकते हैं, तभी आपके प्रोडक्ट को लोग चुन सकते हैं। इसके अलावा बात करूं तो देखिए, इन्वेस्ट करना है आपने साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन में, अपनी टीम को अपडेटेड रखना है नए ट्रेंड्स के साथ। आपने इन्वेस्ट करना है, कोशिश करनी है कि रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स के साथ बनाएं, सपोर्ट रखें ग्रोथ का अपने बिजनेस में, तभी ग्रोथ आएगी। कंडक्ट करते रहें, मार्केट रिसर्च करते रहें, अंडरस्टैंड करें कि हाँ जी क्या नीड्स है लोगों की, किस तरीके की आपकी कस्टमर ऑडियंस है, प्रेफरेंस क्या है उसकी, उसी तरीके के सॉफ्टवेयर बनाएं, उसी तरीके के सॉफ्टवेयर बेचें, अदरवाइज दिक्कत होगी। डाटा बैकअप सर्विसेज पे भी फोकस करें कि हाँ जी डाटा बैकअप सर्विसेज हम किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बिना डाटा बैकअप के भी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है थ्रेट्स के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपने अपनी रिकवरी प्लान भी बढ़िया रखना है, बैकअप प्लान रखना है कि आपके डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। उसके अलावा आपने मॉनिटर भी करना है बिजनेस की परफॉर्मेंस को। तो अब बात करते हैं हाँ जी रेवेन्यू मॉडल को, रेवेन्यू मॉडल क्या होना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल के बिना आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बहुत तरीके के रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, जनरेट नहीं करेंगे इनकम तो दिक्कत हो जाएगी। पहला है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, रेकरिंग फीस आती रहे आपके पास, लगातार बिजनेस से अगर फंड आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
मंथली एनुअल फीस आएगी, मॉडल प्रेडिक्टेबल है, स्टडी इनकम आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद यूजेस बेस्ड, कस्टमर से आप चार्ज करेंगे, जितना वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उतना उसको अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस करने पे उतना चार्ज लगा सकते हैं, अपनी फीस ले सकते हैं। ये दूसरा तरीका। तीसरा है फ्रीमियम, मतलब कस्टमर्स को बेसिक सॉफ्टवेयर फ्री में दे दिया और उसके बाद प्रीमियम फीचर्स के लिए उसको पे करना पड़ेगा, बिना उसके पेमेंट नहीं वो सॉफ्टवेयर रन कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा लार्ज ऑडियंस को। तो ये चीज ध्यान में रखें, ये तीसरा तरीका है फ्रीमियम वाला। चौथा तरीका है पर ट्रांजेक्शन, मतलब कस्टमर्स को पर ट्रांजेक्शन आप चार्ज करेंगे, जितनी ट्रांजेक्शन वो करेगा सॉफ्टवेयर में उस तरीके की प्रोसेसिंग फीस आप इनेबल कर देंगे और सूटेबल बिजनेस के हिसाब से फैसिलिटेट होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे ऑनलाइन कॉस्ट। अब बात करते हैं आपको मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी SaaS बिजनेस की, जो भी साइबर SaaS बिजनेस है। देखिए, आपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लेनी है, जिसको आपने अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसके पेन पॉइंट्स निकालिए, उसके पेन पॉइंट्स पे अपने सॉफ्टवेयर को बेचने की कोशिश करिए। दूसरा है आपको मार्केटिंग गोल्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ जी आप मार्केटिंग गोल्स से करना क्या चाहते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं लीड सेल्स, किस तरीके से, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। डिटरमाइन करें बजट, आपका बजट होना चाहिए, बजट ना ओवरपेड हो ना अंडरपेड हो, ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बनानी है, क्योंकि ऑर्गेनिक वे में भी आपको कंटेंट उठाना है। आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा मार्केट में आपकी कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। डेमो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आपने SEO यूज करना है प्रॉपरली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की चीजें यूज करनी है, ताकि आपको पैसे खर्च करे बिना ऑर्गेनिक से काम आए। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी एंगेज करना है टारगेट ऑडियंस को, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूज करके रखना है, एंगेज करके रखना है, तभी ही बिजनेस हो पाएगा कन्वर्ट। आपने टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स भी भेजने हैं, नर्चरिंग कैंपेन्स भी भेजने हैं, ड्रिप कैंपेन्स भी भेजने हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखें। उसके बाद हम आते हैं केस स्टडी पे। कीका नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, पेरोल एक्सपेंसेस, मॉडर्न HR, हायरिंग ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस कैरियर, टीम अटेंडेंस, प्रोजेक्ट टाइमशीट, ये सारी चीजों में डील करता है। केका एक बहुत अच्छी केस स्टडी हम लेके आए हैं आपके सामने, ताकि केका के बेसिस पे आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से बिजनेस करना है। केका बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल में चल रहा है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल पे चल रहा है, और ये सारी सर्विसेज जो मैंने बताई अभी आपको, ये सारी सर्विसेज ये दे रहा है, चाहे वो टाइम अटेंडेंस हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो। देखिए, इंडियन SaaS स्टार्टअप केका एक तरीके से ग्रो कर रहा है बिजनेस में, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल ये यूज करता है, इंप्लीमेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंट स्ट्रेटजी और प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस्ड HR सॉल्यूशंस। बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर रखा है इसने अपने बिजनेस को, ऑपरेशंस को। केका टैक्टिक्स यूज कर रहा है और मार्केटिंग इंजन के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। केका फोकस्ड है बिजनेस पार्टनरशिप्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस में यूज करता है, फ्री ट्रायल को सॉफ्टवेयर के तौर पर बेचता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको इतनी आदत लगा देता है कि उसके पास स्टेडी इनकम आती है। उसके बाद देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, मंथली फीस चार्ज करता है पर एम्प्लॉइज बेसिस, आप क्योंकि जितने एम्प्लॉइज उतना ये चार्ज करेगा। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट जनरेशन पॉलिसी फॉलो करता है और स्टेडी ग्रोथ है इसकी और काफी अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है और हमारी केस स्टडी भी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अब आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे जो भी आपकी सॉफ्टवेयर बिजनेस में होगी, चाहे आपको डॉक्यूमेंटेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज हो, रेवेन्यू प्लानिंग करनी हो, आपको बिजनेस पॉलिसी बनानी है, आपको किसी भी तरीके से काम करना है, तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और पूरी तरीके से आपकी मदद की जाएगी। इसमें आपको हम कहीं भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो वीडियो पूरे देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।